पानी की किल्लत को लेकर शिमला जिला के ठियोग और कसुमटी की पंचायतों के लोगों ने विधायक राकेश सिंघा के नेतृत्व में शिमला जल प्रबंधन निगम के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान मांग की गई कि गिरी परियोजना से शिमला के लिए लाए जा रहे पानी में से थर्मटी टैंक से आसपास के गाँव के लोगों को पानी दिया जाए, साथ ही पानी की पाइपें फटने से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई की भी मांग की गई। विधायक राकेश सिंघा लोगों के जल प्रबंधन निगम के महाप्रबंधक के कार्यालय के बाहर ही धरने पर बैठ गए और निगम को जल्द ही इन मांगों पर फैसला लेने का अल्टीमेटम दिया। गिरी नदी से पानी की सप्लाई शिमला शहर के लिए की जाती है। जब इस पाइपलाइन को बिछाया गया था तो कई तरह की खामियां इसमें थी, जिसमें जगह जगह पर ये पाइपलाइन टूट जाती है और लोगों की फसलें व उपजाऊ जमीन तबाह हो जाती है। साथ ही इस पाइपलाइन के बिछने के बाद थर्मटी में बने टैंक से यहाँ के स्थानीय लोगों को तो पीने का पानी नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर निजी होटल्स को पानी रोज उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसको लेकर गाँव वासियों में भारी रोष है। शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने विधायक राकेश सिंघा के नेतृत्व में शिमला जल प्रबंधन निगम के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस मौके पर विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि थर्मटी टैंक से प्रभावशाली लोगों को तो पानी दिया जा रहा है, जो यहां के स्थानीय लोग हैं उन्हें इस टैंक से पानी नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि इस टैंक से यहाँ के स्थानीय लोगों को भी पानी उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। देखिए, ये मसला सिर्फ पानी नहीं आने का नहीं है, मसला बहुत साफ और स्पष्ट है। जो गिरी नदी से पानी उठता है, जो ठियोग के इलाके से पानी जाता है, हम बहुत क्लियर है। अब एक हिस्सा पानी का ठियोग और कुसुमती की जनता को आपको देना है। हमने इनको समय दिया है और आज इनसे हम जानकारी लेके जाएंगे, अपना विरोध तो प्रकट करेंगे, लेकिन ये क्लियर हो जाए, अगर एक समय के अंदर ये ठियोग की जनता को पानी नहीं देंगे, जिसका मतलब जो बहुत सी पंचायतें कुसुमटी के हलके में भी लगती है, हम हलकों के आधार पर नहीं जाते हैं, हम जनता को उस तरीके से बांटते नहीं है, तो वो थर्मटी के टैंक से जो अभी तक के प्रभावशाली लोगों को पानी देते रहे हैं, ये हमारा भी हक है जिस पानी को हम देने आए। एक बात। दूसरी बात है, जो इनको हमने कह दिया था, आपने ये पानी की स्कीम बहुत पहले चलाई, लोगों के खेतों से ले गई और आपने ठेकेदार को लाभ दिया, उसने स्पेसिफिकेशन के तहत राइजिंग मेन बिछाया नहीं, जिस दिन ये चालू हुआ उसी दिन पाइप फट गई और रोज फटती है। आए हैं लोग, ये धमांदरी से आए हैं लोग और मझोली से आए हैं, अलग अलग हिस्से से आए हैं, इनसे आप पता करें, रोज बड़ोक वगैरह है, बतूड़ा रोज इनके खेत बहते हैं और ये कॉम्पनसेशन नाम से नहीं देते हैं, और इन्होंने बार बार कहा कि जमीन का भी देंगे और जो फसल नष्ट होगी उसका भी देंगे, लेकिन पिछले कुछ को छोड़कर और उन्होंने भी कोर्ट से लिया है, ये ख्याल करें। तो आज हमने ये बातें तय करनी है और हम आगे हैं, और वैसे भी मैं आपसे ये बात साझा करना चाहता हूं, आज किसानों के नाम से बहुत महत्वपूर्ण दिन है ये हिमाचल प्रदेश के लिए। आज ही के दिन में जब ये सेब का आंदोलन 1990 में आज से 32 साल पहले चला था, तो तीन किसानों ने ठियोग के इलाके के अंदर कोर्ट के अंदर ये शहादत दी थी। आज उनको भी हम सलाम करते हैं और किसान आंदोलन को भी वो सलाम करते हैं, और वैसे भी हमने तय किया है कि पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर उनको याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, और 2 बजे जिस समय वो शहीद हुए थे तो हम यहां भी 1 मिनट का मौन रखेंगे। इनको संभव है आज थोड़ा और समय दे देंगे, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हमें मौका दें बोर्ड की मीटिंग का करने का,
हम मौका देने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी मांग से पीछे हटने वाले हम नहीं है। ये जो मर्जी हथकंडे बना ले, ये लड़ाई आगे जाने वाली है और ये पानी हमने लेना लेना है। चाहे ये कितना MLD है, ये कुलदीप जी जो 20 MLD शिमला को आता है, 2.5 MLD पानी हमने लेना लेना है। ये क्लियर हम लोगों को सर। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।